हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई लोगों सब ठीक होंगे और आपका छोटा भाई भी ठीक है। भाई लुधियाना से आ गया था मैं अबोर की साइड। लुधियाना में तो कोई प्रोग्राम ही नहीं बना लोडिंग का, तो अबोर में आया हूँ। रात ही आ गया था मैं यहाँ। कल का शूट नहीं किया, उसके लिए सॉरी। कल अपने को भाई आए थे मिलने, तो कल पूरे दिन भर भाई से मिले, फिर टाइम ही नहीं लगा शूट करने का। और अभी हूँ मैं अबोर में ट्रांसपोर्ट में, और अभी भी सुबह सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए और साथ में चाय आ गई है, सवेरे का बूस्टर। और बस अब चाय पी के जाना है लोड करने। और हमने आज सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी लगवाई है लोडिंग के लिए, पूना के लिए। ये हमारी ट्रिप रहेगी भाई लोगों पूना के लिए। तो अब देखते हैं, अभी वो ट्रांसपोर्टर भाई आया नहीं है, अभी आएगा। अब देखते हैं कब तक आता है, जब फिर हमारे को भेजेगा, वो भी किधर से भरनी क्या सीन है। तब तक अपना चाय वगैरह पीते हैं और हो जाते हैं जरा चार्ज। भाई ये ठंड बहुत है इधर भी, मतलब धुंध तो यहाँ फिर भी है नहीं इतनी, ठंड तो फिर भी है ही है। मैं आपको एक बार बैक कैमरे करके दिखाता हूँ। भाई ये देख लो, ये यहाँ का मौसम, हालांकि क्लियर है बिल्कुल, धुंध है नहीं इतनी, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है भाई इधर। ये देख लो, ये ऐसी है कोई लोकेशन जहाँ मैं खड़ा था रात को आके। यहाँ ट्रांसपोर्ट है भाई, इधर भाई की साथ में ना अंदर ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट पे आके रुके हुए थे। और ये अबोर में है, आजमगढ़ चौक बिल्कुल बोलते हैं इसको, यहाँ आजमगढ़ चौक है, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है भाइयों, तब तक पीते हैं चाय, चाय आ गई भी है। तो ये है ट्रांसपोर्ट भाई की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये शिव शक्ति रोड कैरियर अबोर में, आजमगढ़ चौक पड़ता है वहाँ पर। और ये भाई है, यहाँ पर अरुण भाई मिलेंगे आपको, ये भाई है जो ट्रांसपोर्ट के ऑनर है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट से तो आ गए हैं, अब जा रहे हैं गाड़ी भरने, गंगानगर जाना है हमने। यहाँ से है गंगानगर 45 किलोमीटर। चलो चलते हैं फिर गंगानगर। तो दोस्तों निकल गए हम अबोर से गंगानगर वाली तरफ। यहाँ से गंगानगर है 45-50 किलोमीटर। जहाँ हमने जाना है वो इधर से 64 किलोमीटर शो कर रहा है, जहाँ की लोकेशन बेची है भाई ने। चलो मिलते हैं आगे, और साथ में हमने डीजल भी करा देते हैं इधर ही फुल, क्योंकि पंजाब में सस्ता है, फिर राजस्थान में महंगा होगा। अब आगे देखते हैं, पेट्रोल पम्प पे मिलते हैं आगे। बाकी ये रहा कुछ रोड ऐसा, पता नहीं सारा 4 लाइन है कि कैसा है। मैं इधर आया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ इधर, अब भाई देखते हैं क्या सीन है ये। तो दोस्तों अबोर से निकलते कोई 15-20 किलोमीटर आके इधर एक चाय की टपरी पर रुके हैं, द्वारा चाय पीने की। वो लग रही है बूस्ट ही नहीं हुआ शरीर, मैं सोचा द्वारा लेते हैं एक बार बूस्टर, चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे। पंप अब आने वाला है बॉर्डर भी, इसके बाद फिर तेल वगैरह फिलअप करवा के फिर सीधे निकलते हैं गंगानगर। तो मैं दिखाता हूँ आपको भाई की टपरी, एक बार इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही भाई की टपरी चाय की, और ये रही अपनी गाड़ी। हाँ भाई डाल दो अदरक भी, भाई बहुत अदरक डाल दो, अदरक डाल दो। बाकी ये रहा वो ऐसा नज़ारा इधर का, मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ। ये रोड का काम चल रहा है, ये कोई लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, मस्त लग रहा है। और ये रही हमारी बेबो, बेबो रानी नाम रखा है इसका। चलो पीते हैं चाय फिर निकलते हैं दोस्तों इधर से। तो मैं पहुंच चुका हूँ भाई लोगों, ये भाई मना कर रहे हैं, बोलते है नहीं इधर तेल। अरे पोपट हो गया रे भाया, इधर तो है नहीं डीजल, मना कर रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट किसी पंप पे चलते हैं, देखते हैं इधर से तो नहीं कोई आ रहा खाली है। चलो है नहीं भाई लोगों, इधर तेल नहीं है। चलो नेक्स्ट पंप पे मिलते हैं। ये मुड़ गया मैं अब दूसरे पंप की तरफ, देखो यहाँ तो शायद मिल ही जाएगा, अब इतना बड़ा पंप है तो। चलो देखते हैं क्या रेट है इधर डीजल का। हाँ इधर तो है आई थिंक, यहाँ पे लगाते हैं 87 रुपीज़ है भाई लोगों। चलो लगाते हैं, लगा दिए पंप है, चलो करवाते हैं फुल, देखते हैं कितने का डीजल आता है। तो तेल पा के निकल गए वे पेट्रोल पंप से। भाई कितना तेल आया गड्डी में? 4700, मतलब 4700 रुपये का लगभग तेल आया नालागढ़ से लेके गंगानगर तक। और किलोमीटर बनते हैं ऑलमोस्ट 389, लगभग 400 किलोमीटर में गाड़ी ने खाया 4700 का तेल। और कितना लीटर?
52 लीटर तेल खाया भाई गाड़ी में। आप देख लो खुद एवरेज निकालो आप, 390 किलोमीटर डिवाइड बाय 52 लीटर क्या एवरेज बैठती है निकाल लो भाई। ये खाली गाड़ी की एवरेज। फोर लाइन रोड हो गया ख़त्म। ये जगह है साधु बली और यहाँ से मुड़ गया मैं अब लेफ्ट हैंड साइड सीधा सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बीकानेर। इधर से रह गई मेरी लोकेशन मात्र 14 किलोमीटर और रोड भी अब सही। चलो पहुँचते हैं फटाफट। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं गंगानगर और कांटा वगैरह करा लिया है और ये है सामने जहाँ से हमने गाड़ी भरनी है। शुक्र है पहुँच के टाइम से ही। अब चलो लगाते हैं गाड़ी को साइड में, इधर पूछते हैं क्या सीन है। चलो रोकता हूँ गाड़ी साइड। तो लगा दी है गाड़ी लोडिंग पे, आते ही लगा दी उन्होंने गाड़ी। अरे दो और हो रही है भाइयों की लोड और ये लग गई अपनी गाड़ी। जाके देखते हैं पीछे। तो लोडिंग हो गई है चालू, ये देख लो अब करेक्ट डाल रहे भाई, यहाँ तक डाल दी लाइन तो हो गई है बरगी। चलो चलिए रोटी खाने बाहर आ जा। चल वो दूसरी गाड़ी जो हमारे साथ एक HP नंबर की और गाड़ी है भाई की सोलन की, वो भी लोड हो रही है और वो भाई मिलेंगे मार को बाहर। चलो निकलते हैं बाहर। तो अपनी गाड़ी हो गई आधे से ज़्यादा लोड, ये देख लो ऐसे होती है लोड। ये आती है अंदर से कैरेट और करेट चाल सीधी आधी ज़्यादा, काफ़ी अच्छी स्पीड थी भाई इनकी भरने की। कम से कम भी देख लो आधे घंटे में गाड़ी एक बत्ता छोड़ दिया, मतलब आधे ज़्यादा होगी वे लोड। ये आती है अंदर से कैरेट, ऐसी है गडाउन है यहाँ पर, ये देख लो ये आई करेट और चल। तो देख सकते हैं आप लगभग गाड़ी हो चुकी है फुल, 10-15 करेटें रह गई है डलनी और बस थोड़ी देर में अब ये पूरी डाल के फिर तरपाल वगैरह डालते हैं। चलो मिलते हैं तरपाल डाल के भाई। इतनी हाइट हुई अपनी, मेरे को लगा मैं कहा कि 2-3 करेट जाएगी ऊपर मगर नहीं गई। अब देखो वो ट्राले में गई है 3-3 करेट ऊपर बट अपनी में नहीं गई। 532 करेट लोड हुई है अपनी गाड़ी में, ये देख लो करते हैं इनकी सेटिंग पर डालते हैं रस्सा तरपाल। उसको लोड करके निकाल दी है पॉइंट से, अब यहाँ थोड़ा आगे करके इसमें डालते हैं तिरपाल। हाइट नहीं है उतनी, थोड़ी है बस, बाकी ये देख लो एक बार पीछे से बस इतनी है हाइट इसमें। चलो डालते इसमें तिरपाल। अब ये दोस्तों आगे हैं कांटे पर, कांटा वगैरह करवा दिया है गाड़ी का और इधर कांटे के पास में कर दिए खड़ी बस। वो बाई गया है बिल्टी लेने और ये देख लो ऐसा ही हुआ माल अपना, तिरपाल वगैरह डाल दिया है। हाइट है नहीं, थोड़ी थोड़ी है हाइट। और वो जो दूसरी गाड़ी है अपने साथ हिमाचल की, वो तो अभी हुई नहीं लोड। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता, अभी भाई भूख भी लग रही है, खाना भी खाना था। अब देखते हैं नहीं हम आगे जाके हम यहाँ होटल पे लगाते हैं कहीं खाना खाते हैं। ये रहा गाड़ी का व्यू कुछ ऐसा, चलो मिलते हैं अब होटल पे ही। सो दोस्तों बिल्टी वगैरह मिल गई है, ये रहे बिल, 2 पार्टी का माल है हमारा और टाइम बज रहे हैं लगभग 3:56 और हम करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप शुरू यहाँ से। चलो करते बाबे का नाम लेके और अपना सफर यहाँ से शुरू करते हैं अब भाइयों, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। चलो अब सीधे पहले जाके मिलते हैं होटल पे, भूख लगी है पहले जाके को खाना खा लेते हैं। चलो निकल गए भाइयों इधर से, तो दूसरी गाड़ी तो अभी आती हुई है लोड, भाई बोल रहा है बोले टाइम लगेगा आप निकलो। चलो तब निकलते हैं भाइयों, उम्मीद करना अपना सारा सफर ठीक रहे, करना भगवान से कोई दिक्कत ना परेशानी ना हो रास्ते में। चलो मिलते हैं होटल पे। दोस्तों मेन रोड पे आ गए हैं, ये बाईपास से है गंगानगर का बारोबार। बस अब सूरतगढ़ वाले रास्ते की तरफ को जा रहा हूँ मैं, सुबह सूरतगढ़ होके निकलते हैं। बस अब पहले ढाबा मिल जाए भाई, भूख लग रही है। यहाँ से सूरतगढ़ है 65 किलोमीटर। चलो टाइम से गाड़ी लोड हो गई, बढ़िया हो गया टाइम से छूट गए। चलो करते हैं अपना सफ़र अब इंजॉय। सो दोस्तों रुक गया इधर, एक मिल गया होटल मेरे को जाट होटल, काफ़ी मतलब 15-20 किलोमीटर आए हम आगे, 15-20 किलोमीटर आगे आने के बाद मिला होटल। चलो मैं दिखाता हूँ आपको होटल और जल्दी से चलते, भूख लग रही, चूहे कूद रहे पेट में और एक खड़ी कर दी अपनी गड्डी है, देख लो एक बार कैसी लग रही भाई, कमेंट करके जरूर बताना। चलो मैं बैक कैमरे करके दिखाता हूँ आपको, जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए। चलो दिखाता हूँ आपको होटल मेरी गाड़ी और ये रहा भाई होटल जहाँ रुके हम, इधर लगी है गाड़ी। काफ़ी अच्छा होटल है देखने से तो लग रहा है। चलो मिलते हैं होटल पे, अब लगवाते हैं कुछ खाने को।
तो दोस्तों खाना वगैरह हो चुका है, माफ करना मैं आपको दिखा नहीं पाया, भूल ही गया था बिल्कुल ही बनाना। जैसे ही मतलब खाना आया मैं तो टूट पड़ा खाने पे, भूख इतनी लग रही थी और खाना भी बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खाना खा के। बस अब खाना वगैरह खा के आ चुके हैं गाड़ी के पास। और ये होटल की लोकेशन देख लो एक बार, ये होटल है जाट, ये पड़ता है गंगानगर से सूरतगढ़ रोड में। और ये रही अपनी धनो, चलो चलते हैं गाड़ी के पास, सब देखते हैं। बस अब थोड़ी देर से फिर निकल जाएंगे, 10-15 मिनट रेस्ट करके ना, थोड़ा रोटी या पच जाए ज़्यादा खाली रोटी, और फिर निकलते हैं। सो भाई लोगों निकल चुके हैं होटल से, खाना वगैरह खा के बस चढ़ गए हैं रोड पे, ऑन द वे हैं। बस अब देखते हैं आगे से अब क्या बनता है, कौन से रोड को निकलते हैं। अब बाया सूरतगढ़ जाने का मैं सोच नहीं रहा हूँ, अब सोच रहा दूसरी तरफ से जाऊँगा। चलो देखते हैं आगे आगे किधर से बनता है जाने का प्रोग्राम, फिर आगे आपसे शेयर करता हूँ। बाकी रोड चेक करो एक बार। तो भाइयों पहुँच चुका हूँ सूरतगढ़, लगभग ये भी हो चुका है पार। अब प्लान बना है ऐसा, इधर आगे से एक जगह का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ से मुड़ता है रोड पल्लू के लिए, अपना जो हनुमानगढ़ से रोड आता है उस रोड के लिए, तो मैं उधर से जाऊँगा, उधर से हम पल्ले वाले रोड को मेगा हाईवे को टच कर जाएंगे। बाकी अब शाम का टाइम हो गया है, रात भी पड़ने वाली है, अब थोड़ी देर में लाइटें ऑन हो गई है। अब देखते हैं, अब थोड़ी देर से लेते हैं आगे कहीं ब्रेक, फिर दो बत्ती वगैरह और चाय वगैरह पियेंगे। आजा भाई आजा, चलो रोकते हैं कहीं आगे गाड़ी, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए भाई देखते रहें। तो दोस्तों अंधेरा पड़ चुका है और मैं ना सूरतगढ़ से कोई 20 किलोमीटर आगे आके रुक गया हूँ। मेरे को इधर दुकान दिखी खार श्रृंगार वाली, जिधर गाड़ियों का सामान मिलता है। बाकी एक बार एक गाड़ी का नाइट व्यू चेक करो आप, ये रही गाड़ी अपनी कुछ ऐसी। बाकी ये है भाई इधर दुकान है, देखते हैं लेते हैं इनसे कुछ। भाई छोटी है बारी वाली, ये कितनी लड़ी वाली जो तुम्हारे हाथ में है, तो हाथ में हाँ हाँ ये बताओ, मैंने भी यही है बांधी हुई आगे। हाँ इसमें 6,000 की है। 6,000 की है? नहीं नहीं यार वो देख आगे 40 लड़ी वाली कि वो कितने की होगी, वो कितने की होगी? 3,000 की है बेटा। सो दोस्तों यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पर बात बनी नहीं, भाई कोई भी सामान बहुत महंगा दे रहा है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। भाई बोल रहा है वो जो चोटी है बोले 6,000 रुपए की है, यही चोटी मैंने 2,500 रुपए में बांधी है। इस करके भाई लोगों इधर कुछ भी नहीं लिया, हम जा रहे हैं आगे ले लेंगे, काहे को फालतू में पैसा वेस्ट करना भाई, इसीलिए मैं निकल गया हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली दोस्तों पल्लू पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी पहुंच गए भाइयों पल्लू। ये देख लो ये आ गया अपना मेगा हाईवे हनुमानगढ़ से किशनगढ़ वाला रोड। अब यहां से हमने होना है राइट, और बार भी हम इसी रास्ते से ही आते हैं, तो चलिए यहां से मुड़ते हैं लेफ्ट, इधर उधर देख के नहीं आ रही गाड़ी जान दूं। और इसका अभी काम चला है रोड का। लो जी हम चढ़ गए हुए हैं मेगा हाईवे रोड के ऊपर, और इसके ऊपर अभी काम चला बीच बीच में। बस अब इस रोड से हम सीधे निकलेंगे किशनगढ़ के लिए, बाकी अब आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, रुकते हैं कहीं तो बनाऊंगा वीडियो आगे। बाकी अब ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, अब इसको भी करेंगे आगे जाके एंड। बाकी ये देख लो भाई यहाँ से किशनगढ़ है 321 किलोमीटर और रतनगढ़ है 115 किलोमीटर, देख लो अगर आप देख पा रहे होंगे तो। बस अब हमने किशनगढ़ वाला रास्ता भाइयों चुन लिया, पहले मैंने जाना था सूरतगढ़ बीकानेर जोधपुर होते हुए, लेकिन मेरे को उधर से थोड़ा दूर पड़ रहा था, इसीलिए फिर मैं इधर से ही आ गया, अपना सीधा किशनगढ़ को निकलते हैं, अपने जिस रास्ते से हम जाते हैं उधर से जाएंगे बाया MP होते हुए सीधा। चलो मिलते हैं भाइयों आगे। सो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ लांडनू, ये देख लो ये लांडनू की त्रिपाल मार्केट है, और ये रही अपने भाई की दुकान है। यहाँ से भाई मैंने त्रिपाल वगैरह लिए थे, ये है KGN त्रिपाल स्टोर। और ये रही अपनी गाड़ी, अभी तक कंटिन्यू सफ़र कर रहे थे, काफ़ी सफ़र कर दिया हमने, और टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहे हैं नॉन स्टॉप। पल्लू के बाद हमने सीधा यहीं लांडनू में आके ब्रेक ली थी, बस अब चाय के लिए रुके हैं, बस चाय पी के फिर निकल। दोस्तों लांडनू से तो निकल गया हूँ और मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ अपना दौलतपुरा,
मामा का ढाबा फेमस है यहाँ भाई, जो चलते हैं उनको पता होगा। इधर अपने मामा का ढाबे पे रुक गया हूँ आके, और टाइम हो रहे हैं इस वक्त 1:35। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और भाइयों जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज तक का सफ़र था यही, अब कल का सफ़र यहाँ से करेंगे स्टार्ट, वो देखना आप कल के वाली वीडियो में पार्ट टू में। तब के लिए भाई साहब भाइयों के लिए राम राम, गुड बाय बाय बाय, सारे भाई अपना ध्यान रखना, बाय।